हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप भी एक अच्छा कैट फूड ढूंढ रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को तलाश कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे पास भी एक कैट है और मैं काफ़ी सारी जो स्ट्रे कैट है उनको भी मैं काफ़ी फीड करता हूँ। तो इसके लिए मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ मार्केट के अंदर कि कौन सा जो कैट फूड है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और कौन सा जो है जो हमारी कैट्स को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, वो सारे के सारे टेस्ट मैं कर चुका हूँ। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इस प्रोडक्ट को मैं पहले भी 2-3 बारी यूज़ कर चुका हूँ और उसके बाद ही मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इसका ये पैकेट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो मैं कैट फूड लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो है ये यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया, अगर आप पैकेट में देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो अडल्ट कैट है उसके लिए है और ये स्मार्ट फूड है फॉर अ स्मार्टर पैट, यानी कि ये एक स्लोगन टाइप इन्होंने यहाँ पे दिया है कि ये स्मार्ट फूड है स्मार्टर पैट के लिए। और कंपनी के नाम अगर ब्रांडिंग की बात करें तो ये प्योर पेट का जो है ये कैट फूड है। इसके अलावा कंप्लीट फूड फॉर योर कैट अडल्ट, यानी कि जो आपकी कैट है उसके लिए एक पूरा एक कंप्लीट मील है ये। और अगर प्राइस की बात करें तो सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे 199 रुपीज़ इसका प्राइस है, जो कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसके प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, हालांकि मैंने जब ये लिया तो मुझे 199 का ये प्रोडक्ट पड़ा है क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर इसमें चल रहा है। अब सिंपली इसके अंदर क्या है, ये जो कंप्लीट फूड है उसके अंदर मेन मेन चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इससे होता क्या है, जो आपकी कैट होती है उसको पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है जिससे कि उसकी जो उसका हार्ट जो है उसका हार्ट है वो हेल्दी रहता है, उसकी स्किन वगैरह जो है काफ़ी ब्यूटीफुल रहती है और इसके अलावा उसके जो यूरिनरी पीएच है उसको भी ये कंट्रोल करता है, जो उसके हेयर बॉल है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं पैकेट के ऊपर। फ्लेवर की अगर बात करें तो ओशन फिश इसका फ्लेवर है। अगर आप भी कैट फूड लेते हैं तो आपको भी पता होगा कि ज़्यादातर जो कैट फूड आते हैं वो ओशन फिश के फ्लेवर में ही आते हैं क्योंकि काफ़ी पसंद करते हैं कैट्स जो ओशन फिश वाला फ्लेवर है उसको। अब थोड़ा पीछे की तरफ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। साइड्स में तो सिंपली यहाँ पे ब्रांडिंग ही करी गई है इसके नाम की। अगर पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा पास लाके अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी मेन मेन इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली आप देखेंगे यहां पे ये बताया गया है कि इसकी क्वालिटी वगैरह किस तरीके के। इंग्रेडिएंट्स की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में इसमें आप देखेंगे यहां पे सैडाइन मैक्यूरियल एग्स कॉर्न ग्लूटिन मील होल ग्रेन सीरियल सोया रिफाइंड ऑयल व्हीट फ्लावर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि आपकी कैट को एक कंप्लीट फूड मिलता है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड करे गए हैं। अगर इसके एनालिसिस की बात करें तो किस तरीके से इसमें प्रोटीन है, किस तरीके से इसमें फैट है, कितने इसमें क्रूड फाइबर है, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इस तरफ अगर मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊं तो यहाँ पे किस तरीके से ये बताया गया है कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने पेट को इस फूड के अकॉर्डिंग। सिंपली आपको डे 1 पे कितना देना है, उसके बाद डे 2 डे 3 डे 4 जो नॉर्मली किस तरीके से आपको उसका करंट फूड है उसको कम करना है और जो ये वाला फूड है उसको इंक्रीज करना है, तो ये बार्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो करंट फूड है वो ब्लू कलर के बार्स में है, जो पर्पल फूड जो प्योर पेट फूड है वो आपका स्काई ब्लू कलर के बार्स में है। तो इस तरीके से आप अपने कैट के फूड को रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें ये पूरी का पूरा इसमें दिखाया गया है। इसकी फीडिंग रिकमेंडेशन एक बारी पढ़ लेते हैं तो सिंपली इसमें ये बताया गया है जो आपकी कैट का बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको फीड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपकी कैट का वेट 1 to 2 kgs है तो यहाँ पर बताया गया 15 to 30 ग्राम आपको देना है। इसी तरीके से जो आगे के वेट्स हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप चाहें तो मैं थोड़ा पास आपको एक बार ला के दिखा देता हूँ तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी कैट को फीड कर सकते हैं उसके वेट के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा यहाँ पे नीचे सिंपली कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी गई है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की। यहाँ पे इसका वेट दिया गया, अगर इसके वेट की बात करूँ तो 1.2 kg इसका वेट है, 199 रुपीज़ इसका प्राइस है। यहाँ पे नीचे एक्सपिरेशन डेट वगैरह दी गई है। तो ये था इसके पैकेट का कुछ ओवरव्यू। अब मैं एक बार आपको इसका एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो भी निकाल के दिखा देता हूँ और साथ ही साथ आपको अपनी कैट को इसको फीड भी करा के दिखाऊंगा जिससे कि आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाए तो कैट कितना ज़्यादा पसंद करती है इस फूड को। तो चलिए एक बार सबसे पहले इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली अभी हम इसको पैकेट को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। तो अब एक बारी आपको मैं अपने बाउल के अंदर पोर भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का ये कैट फूड होता है। काफ़ी बड़ा पैकेट है तो आप चाहें तो किसी एक बॉक्स वगैरह या डब्बे में भी इसको थोड़ी क्वांटिटी को रख सकते हैं और उसके बाद अपनी कैट को फीड कर सकते हैं जिससे कि आपको पैकेट को बार बार उठाना ना पड़े। अब सिंपली आपको मैं एक बार ये दिखा देता हूँ यहाँ पॉर करके। पैकेट को साइड रख देते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं कि जो कैट फूड है वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। थोड़ा और पास लाके अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो फिगर्स बनी हुई हैं आप देख सकते हैं, ये स्टार की फिगर्स बनी हुई हैं। और कैट को जब आप खिलाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, ये बहुत अच्छा लगता है फूड। और टेस्ट वाइज ये बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं कैट्स। तो अगर आपके घर में भी कैट्स हैं, ना सिर्फ आप कैट्स, मतलब प्रेफरेबली तो ये कैट्स के लिए ही फूड है, लेकिन कई बार मैंने मेरे वहाँ पे स्ट्रे डॉग है उनको भी खिलाया, तो वो उनको भी बहुत ये पसंद आता है और बहुत आसानी से वो इसको खा लेते हैं। तो ये है इसका कुछ इस तरीके का ये फूड होता है। अब एक बारी मैं आपको अपनी जो कैट है उसको भी एक बारी फीड करके आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि कितने मज़े से मेरी कैट जो है वो इस फूड को खाती है। आप देख सकते हैं शाशा और बेला अपने फूड का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम उनको फूड देंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा ये एक्साइटेड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों की दोनों कैट्स जो हैं बहुत ही प्यारी हैं, दोनों ही स्ट्रे कैट हैं, तो इसको मैं डेली यहाँ पे फूड इनको देता हूँ, और दोनों के दोनों अपने फूड का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आप देखेंगे दोनों कैसे देख रहे हैं, देखते ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने प्यार से ये दोनों कैट्स अपने अपने फूड को खा रही हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे बहुत ही प्यारी ये दोनों कैट्स लग रही हैं, अपने फूड्स को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हैं। शाशा और बेला अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हुए।